सोमनाथ अरबी समुद्र में प्रभात राजकोड़ी नामना तरवैयाए वधु एक सिद्धि हासिल करी छे। सूत्रपाड़ा धामरेज बंदर थी दरियाई मार्गे 30 किलोमीटर नो अंतर कापी सोमनाथ महादेव ना दर्शन कर्या हता। प्रथम ज्योतिर्लिंग सोमनाथ महादेव के ज्यां अलग अलग रीते लोग सोमनाथ महादेव ना दर्शने आवता होय छे। कोई पगपाड़ा दर्शने आवे छे तो कोई दंडवत करीने महादेव ना दर्शन करे छे। परंतु महाराष्ट्र ना प्रभात राजु कोड़ी के जेवो मैराथन ओपन वॉटर स्विमर छे। माछीमारी कोड़ी समाज महाराष्ट्र नो मुंबई नो वतनी छे, जेमणे वर्ल्ड ओपन वॉटर स्विमिंग एसोसिएशन ना कैलिफोर्निया यूएसए द्वारा सम्मानित पण करवामां आव्या छे। अने केप टाउन साउथ आफ्रिका में 6 मोटा इवेंट पण सफलतापूर्वक पूर्ण कर्या छे, जेमांथी 3 विश्व रेकॉर्ड पण तेमणे पोताना नामे अंकित कर्या छे। भारतभरमांथी प्रभात राजु कोड़ी एकमात्र एवो तरवैयो छे के जेमणे ओपन वॉटर स्विमिंग नो केप लॉन्ग डिस्टन्स स्विमिंग एसोसिएशन साउथ आफ्रिका द्वारा सुवर्ण पदक पण मेळव्यो छे अने एशिया खंडनो सौथी नानी उमरनो ट्रिपल ताज मेळवनारो तरवैयो छे, जेमणे जर्सी आइलैंड अने ओनाकाया एरलैंड थी मेन लैंड सांटा बार्बरा सुधी तरवामां सफलता मेळवी छे। प्रभात राजु कोड़ी लिम्का बुक अने गिनीस बुक ऑफ वर्ल्ड रेकॉर्ड में पण पोतानी प्रतिभा अंकित करी चूक्यो छे। त्यारे आ तमाम सिद्धियों बाद प्रभातना पिता अने प्रभातनुं सपनुं हतुं के प्रभात सोमनाथ महादेवना दर्शने समुद्र मार्गे आवे अने तेमणे आजे करीने पण बताव्यु। सूत्रपाड़ाना धामरेज बंदरथी 30 किलोमीटरनुं अंतर कापीने प्रभात अने तेमनी साथे अनेक युवान के जेमणे 21 किलोमीटर नु अंतर कापी सोमनाथ महादेव ना दर्शन कर्या छे। मैंने बहुत से इवेंट्स इंटरनेशनल इवेंट्स किए हैं मैम, जैसे ओशन 7 चैलेंज है उसमें से मैंने 6 इवेंट कंप्लीट कर चुका हूँ। यूके यूएसए जर्मनी ऐसे देशों में, बड़े बड़े देशों में मैंने इवेंट्स कर चुका हूँ। मैं यहाँ पे सोमनाथ जी के दर्शन करने आया था और वहाँ से मेरे पिताजी को मुझे एक प्रेरणा मिली कि लाइक हम पानी के रास्ते से सोमनाथ जी के दर्शन करने आएंगे, तो इसके लिए हम लोग ने ये इवेंट ऑर्गेनाइज़ किया बीडिया कोली समाज के माध्यम से। उन्होंने बहुत मदद किया, सो हम लोग ये इवेंट ऑर्गेनाइज़ कर पाए उनकी वजह से, और हम लोग ने अच्छी तरह से इवेंट कंप्लीट किया और सोमनाथ जी के आशीर्वाद की वजह से हम लोग ये कंप्लीट कर पाए। मैंने तकरीबन 30 किलोमीटर स्विमिंग किया है समुद्र मार्ग में पानी में, और ये एक बहुत टफ पैच था मेरे लिए, मैं कहूँगा, क्योंकि यहाँ पे हवाएं भी तेज़ थी और ऊपर से थोड़े जो अपन बोल हम लोग बोलते हैं स्वेल्स नाम बोलते हैं हम, वो भी एक थोड़ा बड़ा ही थे। छः समुद्र जो वर्ल्ड ओपन वाटर स्विमिंग एसोसिएशन रिकग्नाइज है, जैसे इंग्लिश चैनल है, हवाई चैनल है, उसमें से तकरीबन मैंने 6 कंप्लीट किया है। इंग्लिश चैनल, हवाई चैनल जो यूएसए में है, आयरिश चैनल जो यूके में है, स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर जो स्पेन में है, और बाकी के और 2-3 इवेंट्स हैं जो मैं कर चुका हूँ। साउथ अफ्रीका में भी मैंने 6 इवेंट्स किए जिसके लिए मुझे लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड दिया गया है। आयरिश चैनल जो मैंने कंप्लीट किया उसके लिए मैं यंगेस्ट स्विमर हूँ जिसके लिए मुझे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड दिया गया था। ये सोमनाथ जिला ना सूत्रपाड़ा ना धामरेज बंदर थी 30 किलोमीटर नो अंतर मात्र 5 कलाक में कापी सोमनाथ नी सोपाटी खाते आवेला प्रभात नु भीड़िया कोड़ी समाज अने सांसद राजेश चुडासमा सहित वेरावळ खारवा समाजना अग्रणीओए सम्मान करीने प्रोत्साहन पूरू पाड्यु हतु। आजे भीड़िया कोड़ी समाज द्वारा प्रभात कोली अने निहार पाटिल महाराष्ट्र थी बे युवानो ज्यारे सोमनाथ दादाना दर्शन करवा आव्या त्यारे एमने पिताश्रीने प्रेरणा थई राजू कोलीने કે એમનો દીકરો એ આ દુનિયાના 7 સમુદ્રમાંથી 6 સમુદ્રમાં જે મુશ્કેલીવાળી તરણ કહી શકાય, તરવૈયું કહી શકાય એવી જગ્યાએ એમણે 6 સમુદ્રમાં તરણ સ્પર્ધામાં વર્લ્ડ રેકોર્ડ ગિનિસ બુક ઓફ વર્લ્ડ રેકોર્ડમાં સ્થાન મેળવ્યું હતું। એમને એવું થયું કે મારો દીકરો અહીંયા સોમનાથ દાદાના દર્શને આવે અને તરીને આવે, એટલા માટે અહીંયા ભીડિયા કોળી સમાજ દ્વારા આજે આપણા પ્રભાત કોલીએ 30 કિલોમીટર ફક્ત 5 કલાકમાં તરી અને તરણ સ્પર્ધા પૂર્ણ કરી છે। સાથે એમની સાથે નિહારભાઈ એ પાટિલ એમણે 20 કિલોમીટરની આ તરણ સ્પર્ધા પૂર્ણ કરી અને ભગવાન સોમનાથના સાનિધ્યમાં દર્શન કરવા। બ્યુરો રિપોર્ટ, D9 ન્યૂઝ।